खागा नगर पंचायत को आदर्श नगर का दर्जा प्राप्त हो गया है, लेकिन नगर के कुछ वार्डों में एक वार्ड नंबर 10 भी है, जिसका हाल तो ऐसा है कि मोहल्ले में पानी आज भी भरा हुआ है। घरों के दरवाजे पर ईंट की चुनाई करवा कर रह रहे हैं लोग और इन लोगों के घरों में पानी भर जाता है। वहीं सुखदेव इंटर कॉलेज के पीछे मुसवा पर है, जहां प्राथमिक विद्यालय भी, जहां बारिश में विद्यालय भी बंद करना पड़ता है। और आप लोगों को बताते चलें कि मुसवा पर नया मोहल्ला नहीं है, बहुत पुरानी बस्ती है, लेकिन यहां के लोगों दिलों में एक ही बात है, इस मोहल्ले का कुछ नहीं हो सकता। और मुसवा पर के लोगों के चेहरे से साफ साफ निराशा झलक रही है। जब लोगों से जानकारी करना चाहा तो लोगों का मीडिया के ऊपर से भी विश्वास खत्म होने की बात आई है। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को खागा नगर की समस्या को दिखाकर खबर पर जांच कर कार्यवाही करते हुए मोहल्ले और विद्यालय की रास्ता को सही करवाया जाए, इन्हें भी आदर्श नगर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं मुसवापल के लोग और विद्यालय की प्रधानाचार्य सपना और जिला मंत्री विजय त्रिपाठी, एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। जी आपका सुपरिचय क्या है? विजय कुमार त्रिपाठी। ये खागा नगर में मुसवा पर का जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ विद्यालय जाने के लिए कोई रास्ता जी जानकारी में है? इसके लिए कई बार लिखित एप्लीकेशन प्रधानाध्यापक द्वारा जो है नगर पंचायत को दिया जा चुका है, और वहाँ के जो वर्तमान सभासद हैं वसीम भाई जी, उनसे भी कहा गया कार्यक्रम जो भी विद्यालय, जैसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो अक्टूबर है, 15 अगस्त 26 जनवरी, उन पर ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाया जाता है। माननीय विधायक कृष्ण पासवान जी भी कुछ विद्यालय का निरीक्षण कर चुकी हैं और कार्यक्रमों में सम्मिलित हुई हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, बात डाली गई है नगर पंचायत की जानकारी में विधायक जी के अपने उच्च अधिकारियों से इस बात के लिए अवगत कराया जी। मैंने लिखित दिया था, चेयरमैन साहब को भी लेटर रिसीव कराया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दी जी। जी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। विधायिका जी को भी, उनको तो पूरी रोड नपवा के मैंने दी कि इतने मीटर है विद्यालय से, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बस आश्वासन भर मिल जाते हैं कि हाँ जल्द काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और ये आप बीआरसी में जो है अपने अधिकारियों को भी सूचित जी, अधिकारियों को भी बराबर सूचित करते रहते हैं। यहाँ नल की भी व्यवस्था, पानी भी बहुत गंदा आता है, उसके लिए भी कई बार हमने कहा, सभासद जी को भी कई बार, वो तो आते जाते ही विद्यालय उनको स्थिति भी दिखाते हैं कि देखिए विद्यालय की क्या स्थिति है जी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं है। सभासद कौन है? वसीम घोषी। अरे जल्दी से आप, कोई पानी समझ लो रेहाना का भेज दो थोड़ा सी। दादी ये कौन सा मोहल्ला है? मुसवा। मुसवा पर है? अच्छा, ये बताइए, ये देख रहे हैं कच्चा नाला है और रोड है, ये हाँ, कब से ऐसा है? ये कच्चा नाला है, सब है, कोई बनवावट नहीं है। नहीं, आप लोगों ने जो है यहाँ जब वोटिंग का समय होता है कोई वोट लेने नहीं आता है? आवत है। फिर वो लोग क्या कहते हैं? कुछ बोलते नहीं ना, कहते हाँ बनवा दे, फिर नहीं बनवा। अच्छा अच्छा, जीतने के बाद कोई आया इधर की नहीं? आवा तो झाक नहीं होते, एकदम नाला सफा कराएंगे। अच्छा, एक बार नाला सफा कर? हाँ, झूठ नहीं ना बोल। अच्छा, बनवाने के लिए क्या कह रहे हैं? कहा तो बनवाइबे, कोई सनकते नहीं। मोहल्ला है ये? गांधी पार्क लगता है। गांधी पार्क लगता है। वार्ड नंबर क्या है? 10 है। ये देख रहे हैं कि ये रोड पे जल भरा है, और ये बगल में किसका घर है? ये सर मेरा घर है, मेरे ससुर का नाम अब्दुल रज्जाक है जी। जी, यहाँ पे 1 साल से पानी भरा हुआ है, कोई एप्लीकेशन देते हैं, कम से कम लोग 5 साल भी एप्लीकेशन 3-4 दिए, अब की भी दिए, बारिश में हम लोग यहाँ पूरा बेड पे, पूरा अलमारी में, हर चीज में सब चीज खराब हो गया था, यहाँ तक कि गेहूँ भी खराब हो गए। हम लोग बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं, बनी नहीं रही है रोड।
आपने नगर पंचायत को ये बताया? सबसे बताया है, सब आशा से बताया है, डीएम के ऑफिस क्या क्या कह रहे हैं? बस वो कहते हैं बनवाएंगे, काम लगवाएंगे, लेकिन बनवाते ही नहीं है।